निशा जी। सो गाइस, आज है डे 4 बर्थडे स्पेशल वीक का। सो नया दिन नया डीआईवाई लेकर आई हूँ आपके लिए मैं। सो अगर आपको नहीं पता है कि क्या चल रहा है बर्थडे स्पेशल वीक, तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ इसके बारे में। 25 अप्रैल को आता है मेरा बर्थडे और मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है 19 अप्रैल टू 25 अप्रैल तक। तो मैंने डेली चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस मिस कर दी हैं, तो उन सभी के मैं डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो मेक श्योर कि आप उन्हें चेकआउट कर लें। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एकदम सिंपल वे में बलून टॉप कैसे बना सकते हो। आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में है बलून टॉप बनाने के लिए। मैंने साड़ी का यूज किया है, यही साड़ी मैंने इससे पहले एक डीआईवाई में यूज की थी। सो अगर आपने वो नहीं देखी है, उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उसी में से मेरा फैब्रिक बच गया था साड़ी में से, सो मैंने अब बलून टॉप क्रिएट किया है। एंड गाइस, इस टॉप के लिए मेक श्योर कि शिफोन, जॉर्जेट, इस तरीके के फैब्रिक यूज कीजिएगा, जो फॉलिंग फैब्रिक्स होते हैं, कॉटन के जो फैब्रिक्स होते हैं, उससे ये टॉप बन जाएगा, लेकिन इतनी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको पेपर पे बताऊंगी कि आपको फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड करना है। तो उसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग उसे उसी तरीके से फोल्ड कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो पर चलते हैं। फर्स्ट मेथड के लिए सबसे पहले पेपर को लेंथवाइज फोल्ड करेंगे। इसके बाद में एक बार विड्थवाइज फोल्ड करेंगे। टॉप का नेक हमेशा फोल्डेड साइड पे कट करते हैं। सेकंड मेथड के लिए पेपर को दोनों बार विड्थवाइज ही हमें फोल्ड करना है। अगेन टॉप का नेक हमेशा फोल्डेड साइड पर ही कट करते हैं। तो अब फैब्रिक पर चलते हैं। तो मैंने फैब्रिक को फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग ऑलरेडी फोल्ड कर लिया है। मुझे टॉप की टोटल लेंथ 24 इंचेस चाहिए। 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग पर्पस के लिए। फैब्रिक के फोल्डेड साइड पर टॉप के फोल्डेड साइड को रखेंगे और मार्किंग ट्रेस करेंगे। आर्म होल के लिए हमें इस वाले जो मार्क है इसे ट्रेस करना है। तो इसके लिए स्टिचेस पर फिंगर को रखेंगे और दूसरी साइड पर मार्क लगाते जाएंगे। यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, बिकॉज हम बलून टॉप बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा लूज होता है। अब इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। अब टॉप को हटा लेंगे। मैं यहाँ पे फ्रंट नेक की लेंथ 4 इंचेस ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन करते हुए राउंड शेप देनी है। और अब इन्हें कट करेंगे। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट के नेक को कट करेंगे। बिकॉज टॉप के लिए मैंने साड़ी का यूज़ किया है एंड मेरी जो साड़ी है वो काफ़ी पतली है, सो मैं यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। मैंने लाइनिंग फैब्रिक को सेम फ्रंट और बैक पार्ट की तरह ही कट कर लिया है। दोनों फैब्रिक के राइट साइड ऊपर की तरफ हैं और अब नेक को स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद में मैंने यहाँ पे नोचेस लगाए हैं ताकि जब इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे तो नेक की शेप अच्छी आएगी। अब इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। दोनों फैब्रिक के राइट साइड अंदर की तरफ होने चाहिए। अब दोनों शोल्डर को स्टिच करेंगे। अब स्लीव्स कट करेंगे, तो उसके लिए पहले फैब्रिक को एक बार विड्थवाइज फोल्ड करेंगे। अब एक बार और इसे फोल्ड करेंगे। जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे मैंने कट कर लिया है। अब फैब्रिक के फोल्डेड साइड पर स्लीव को रखेंगे। हमें इस वाली लाइन को ट्रेस करना है। सो मेथड सेम है, स्टिचेस पर फिंगर को रखेंगे और दूसरी साइड मेन जो फैब्रिक है हमारा वहाँ पे मार्क लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। नीचे हमें कोई मार्किंग नहीं करनी है बिकॉज नीचे हम इलास्टिक लगाने वाले हैं।
सो अब इसे कट कर लेंगे। टॉप को ओपन करेंगे और अब दोनों स्लीव्स को टॉप के साथ अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे पिन का यूज़ कर रही हूँ और अब इन्हें स्टिच कर लेंगे और टॉप के दोनों साइड्स को भी स्टिच कर लेंगे। साइड को स्टिच करने के बाद में टॉप के बॉटम पार्ट को रॉन्ग साइड पे फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। अब इसे बलून टॉप बनाने के लिए टॉप के बॉटम और स्लीव्स पर इलास्टिक लगाएंगे। और इसी के साथ हमारा बलून टॉप रेडी है। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइस, कल आ रही हो ना, याद है ना आपको, 19 अप्रैल टू 25 अप्रैल तक मैं डेली नई वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ चैनल पे। सो मेक श्योर कि आप टाइम पर पहुंच जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।